हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जितना अहम रोल खानपान और व्यायाम का होता है, उतनी ही जरूरी नींद भी होती है। विशेषज्ञों की माने तो स्वस्थ शरीर के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन इस तकनीकी दुनिया ने इंसान की पूरी दिनचर्या को बिगाड़कर ही रख दिया है। काम का प्रेशर ऐसा है कि सुकून भरी नींद के लिए भी कई जतन करने पड़ते हैं। बिस्तर पर लेटने के बाद भी थके हुए शरीर को नींद नहीं आती है और हर वक्त हमारा दिमाग चलता रहता है, जिससे सोने में तकलीफ होती है और घंटों करवटें बदलते हुए समय निकल जाता है। नींद का ना लेना और नींद का पूरा ना होना इंसान को कितनी समस्याएं खड़ी कर सकता है, उसका अंदाज़ा उसको शायद पता ना हो। सो फ्रेंड, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर वन है तनाव, गुस्सा और डिप्रेशन। नींद पूरी नहीं होने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है और हर वक्त दिमाग चलता रहता है। इसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है और तनाव की स्थिति भी कभी कोई काम से ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे में गुस्सा और इरिटेशन और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर टू है दिल की सेहत पर बुरा असर। ठीक तरीके से नींद ना ले पाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट प्रभावित होता है। इसकी वजह से शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है और ऐसे में दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और हाई बीपी, डायबिटीज़ और हृदय संबंधी परेशानियों का रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, नंबर थ्री है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। कोरोना काल में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी नींद न लेने से हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र भी प्रभावित होता है। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो व्यक्ति को कोई भी इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, बुखार आदि समस्याएं घेर लेती हैं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, नंबर फोर है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। तमाम रिसर्च बताती हैं कि नींद पूरी ना होने से शरीर की कोशिकाएं काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, नंबर फाइव है हार्मोनल समस्याएं। आज महिलाओं में थायराइड, PCOD जैसी कई हार्मोनल परेशानियों का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी बहुत बड़ी समस्या नींद न लेना और स्ट्रेस में होना ये हो सकता है, और स्ट्रेस बढ़ता है और तनाव की समस्याएं बढ़ती हैं, जिसके कारण हार्मोनल समस्याएं भी बिगड़ जाती हैं। इसकी वजह से हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और महिलाओं में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, पीरियड की अनियमितता, मोटापा जैसी परेशानियां हो जाती हैं। ये परेशानियां होने से अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर सिक्स है निर्णय लेने की क्षमता में कमज़ोर। आधी अधूरी नींद का असर याददाश्त पर भी पड़ता है और व्यक्ति रोज़मर्रा की सामान्य बातें भी भूलने लगता है। इसकी वजह से उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रही कुछ हेल्पफुल टिप्स। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।